गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर्यन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक बात कर ली थी और आज जितना हो सकेगा 2.5 को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन है, उसमें से मैं केवल एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। फैक्टर द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, यानी इसके हमको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या था, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे, अगर ये ऐसे होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम इसके फैक्टर बड़ी आसानी से कर देते। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर कुछ नहीं। तो इसको फैक्टर करने के क्या तरीके हैं उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखना क्या करना है, अगर इस सवाल में ये ना होता, खाली 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होता ना, तो सवाल फटाफट हो जाता। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, 1 पुटअप करना है, माइनस 1 पुटअप करना है, 0 पुटअप करना है, माइनस 0 पुटअप करना है, ये जो चाहो आप पुटअप कर सकते हो। लेकिन क्या है, अगर आप इसमें 0 पुटअप करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 0 तो हमको लाना है। कहने का मतलब ये, आप इसमें या तो 1 रखो या माइनस 1 रखो, 2 रखो या माइनस 2 रखो, 3 रखो या माइनस 3 रखो। ऐसा करने से होगा क्या कि जो आंसर हमने इसमें रखा और जिसने इसको 0 बना दिया वो उसका फैक्टर कहलाएगा। हमने पहले भी पढ़ के रखा था, मैंने आपको सिखा के रखा है। जैसे x प्लस 2 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो मैंने आपको बताया था इसको फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो बताओ x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2, और x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4। तो कहने का मतलब ये माइनस का 2 मैंने इसमें रखा या मैंने ये माइनस का 4 इसमें रखा, जो भी इस इक्वेशन को 0 बना देगा वो उसका 0s कहलाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये 0s है तो फैक्टर क्या होगा, तो ये फैक्टर होगा, और अगर ये 0s है तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैंने आपको बोला 5 मेरा 0s है तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसके आगे x लगा दो, प्लस का नंबर है तो माइनस कर दो। और अगर ऐसा लिखा हुआ है माइनस का 5 और मैंने बोला ये वाला नंबर इसको 0 बनाता है, तो बताइए इसका फैक्टर क्या होगा, यू तो एक्स लगा दो और यहाँ पे प्लस कर दो। तो करना कुछ नहीं है, एक सिंगल नंबर के आगे केवल एक्स लगाना है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, सिंपल सा। ये मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा के रखा है। तो आगे देखो, तो सर हमको पता कैसे पड़ेगा कि क्या पुटअप करना है, कुछ नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माइनस 1 2 और माइनस 2, 3 और माइनस 3, बस इससे ज़्यादा आपको कोई पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर आप इसमें 0 पुटअप करोगे तो ये तो तीनों खत्म हो जाएंगे, 2 बचेगा, हमको 2 लाना नहीं है। हमको इसमें एक ऐसा आंसर पुटअप करना है कि जो इस इक्वेशन को 0 बना देगा, अगर 0 बना देगा तो वो उसका 0s कहलाएगा, अगर 0s कहलाएगा तो हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ट्राई करते हैं। सर इसमें कोई पर्टिकुलर पता नहीं पड़ेगा कि कैसे करना है, नहीं पता नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको वैल्यू पुटअप करके देखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है, 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखो, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या आंसर आया, 0 आ गया। तो ये तो एक खाली इत्तफाक से ऐसा हो गया है कि मैंने इसमें 1 रखा नहीं, 0 हो गया। अगर मान लो मैंने 1 रखा होता और अगर ये 0 नहीं हुआ होता तो मैं क्या करता, माइनस 1 रख के देखता। तो जैसे देखो मैंने इसमें अगर माइनस 1 भी रख दिया समझाने के लिए केवल, तो क्या चेंजेस होंगे, देखो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस के ऊपर पावर इवन है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये माइनस का 2 और 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही है, 2 ही आएगा, माइनस और माइनस प्लस और ये प्लस का 2। तो देखो 2 और 3 और माइनस 2 और माइनस 3, तो ये माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया, ये भी कट गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी रखो, ये ऐसा केस है कि जिसमें कट रहा है और 0 आ रहा है। अगर मान लो 1 रखा होता और 0 नहीं हुआ होता तो हमको माइनस 1 रखना है, माइनस 1 रखा होता 0 नहीं हुआ होता तो हमको 2 रखना है, 2 रखा होता और 0 नहीं हुआ तो हमको माइनस 2 रखना है।
माइनस टू रखा हुआ रखते और जीरो नहीं होता है तो थ्री रखना है। तो सर ऐसे कब तक करना है? ऐसी प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि जीरो नहीं आता है। जैसे मैंने पहला ही आंसर इसमें रखा नहीं, जीरो हो गया तो आपको रुक जाना है, फिर आगे बढ़ना नहीं है। तो ये इस सवाल की प्रोसेस है। फिर क्या करना है ये ध्यान से देखो, क्योंकि बाकी के तीन क्वेश्चन आपको ही मिलाने हैं। वापस मैं मेरी बात रिपीट करता हूँ, आपको इस फंक्शन के अंदर वन रखना है, माइनस वन रखना है, टू रखना है, माइनस टू रखना है, थ्री रखना है, माइनस थ्री रखना है, फोर रखना है, माइनस फोर रखना है। सर कब तक रखना है? जो वैल्यू आपने रखी और जिस वैल्यू ने इसको जीरो बना दिया वहीं पर रुक जाना, फिर आगे रखना नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपने देयरफॉर आपने एक्स इक्वल टू वन रखा तो इसने इसको क्या बना दिया? जीरो बना दिया। क्या मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ? केवल इसने इसको जीरो बना दिया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो कुछ नहीं, इस वन को इधर ले लो तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये फैक्टर होगा। सिंपल सा है, इस वन के पास में एक्स लिख दो और वन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, और नहीं पता पड़े तो इस वन को इधर ले लो तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये फैक्टर है। ये क्या बनेगा? इसका फैक्टर। अगर इन केस ऐसा होता, समझाने के लिए केवल, कि x इक्वल टू माइनस वन ने अगर इसको जीरो बना दिया, वैसे बनाया भी था, तो सर इसका फैक्टर क्या बनेगा? कुछ नहीं, x अपनी जगह पे, माइनस वन को इधर ले लो तो प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये इसका फैक्टर बनेगा। बात एक ही है। तो चाहे आप ये नियम लगाओ चाहे डायरेक्ट वाला नियम लगाओ, मैंने तो याद करके रखा है कि जो उसको जीरो बनाएगा वो पॉजिटिव होगा तो मैं एक्स के साथ में नेगेटिव करके चिपका दूंगा, और अगर नेगेटिव होगा तो मैं एक्स के साथ में पॉजिटिव करके चिपका दूंगा। बराबर? तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं हो। अब ध्यान से समझना क्या करना है। जैसे ही आपने इसमें वैल्यू रखी और जिस वैल्यू ने उसको जीरो बना दिया, उसका सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना है। जैसे हमने यहां इसका निकाला था फैक्टर, कितना? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये क्या है? इसका फैक्टर है। अब जैसे मैं बोलूं 12 का 2 फैक्टर है, तो क्या 2 12 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 10 का फैक्टर अगर 5 है तो 5 भी 10 को डिवाइड कर देगा। सेम टू सेम इस पॉलिनोमल इक्वेशन का अगर ये फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड कर सकता है। तो अब हमको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो कुछ नहीं, लगाओ रिमाइंडर थ्योरम। क्या नियम था? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये वाला ब्रैकेट बनाओ और डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट में मैंने आपको सिखा के रखा था, क्या सवाल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पावर 3, पावर 2, पावर 1 कुछ नहीं चलेगा, और हमारा जो डिवीजर है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी बराबर जमा हुआ है। अब बात करते हैं इसमें डिवाइड की, तो मैंने आपको सिखा के रखा था पूरी बारात के अंदर हमको केवल इससे मतलब है, एक्स क्यूब से मतलब है। कहने का मतलब x माइनस 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरे x क्यूब मिल जाए। मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, पावर 3 यहां पर है, पावर 1 यहां पर है, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी x की पावर 2 का करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो x की पावर 2 का, क्योंकि इसको लेंथी प्रोसेस में कैसे करना है वो मैंने आपको प्रीवियस में सिखा के रखा है, तो वो वाले लेक्चर आप देख सकते हो, और मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो तो मुझे पता पड़ा यहाँ पावर 3 और यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 तो बचेगा, तो x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है। करो कैसे? x की पावर 2 ने x से बात की तो x क्यूब आएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और x स्क्वायर ने 1 से बात की तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। फिर क्या करना था? माइनस का प्लस करना है और ये प्लस का माइनस करना है। ये वाला साइन हमारे कोई काम का नहीं, इसको काट दो। क्या बचा? माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी माइनस के 2 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, और सॉरी हाँ माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, इस माइनस x को और इस प्लस 2 को नीचे उतारा। फिर सेम लॉजिक, इस x में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए? तो सिंपल सा है, यहाँ पावर कितनी? 2 है, यहाँ कितनी? 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा इसका, और आगे माइनस लाना है तो माइनस के x का करेंगे। अब करो मल्टीप्लाई, माइनस एक्स ने प्लस एक्स से बात की तो प्लस माइनस तो माइनस, और एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स ने माइनस वन से बात की तो माइनस माइनस तो प्लस, और एक्स इंटू वन करेंगे तो एक्स आएगा। बराबर? कुछ मिस्टेक तो नहीं की अपन ने? एक्स स्क्वायर ने से बात की तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, अब ये 2 बच जाएगा तो दिक्कत नहीं करेगा? मेरे को तो थ्योरम में पूरा जीरो लाना है, कुछ गड़बड़ हुई है।
अपन ने इसमें 1 रखा था तो 1 और 2 3 हो गया और ये 3 0 हो रहा था, x माइनस 1 फैक्टर है, इसमें इसका डिवाइड किया माइनस 2 प्लस 2। सबसे पहले x का x स्क्वायर का डिवाइड किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सही, ये कट गया। अच्छा सॉरी, गलती कर दी अपन ने लिखने में, हाँ नहीं, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस का x वापस उतारा, प्लस का 2। चलो ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व तो पता पड़ेगा क्या करना, कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो पता पड़ जाएगा। देखो अब अपना अगला काम क्या है, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, तो ये तो कट जाएगा, हाँ बराबर है, कुछ मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है ना। माइनस का x और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और ये प्लस का 2 वापस उतारा। फिर वही बात, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे माइनस का 2x मिलना चाहिए, तो आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का तो करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो इसका मतलब केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस का 2x आया, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से किया तो प्लस का 2 आया, माइनस प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आंसर आ गया नीचे, 0। वो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हो गया, मैंने सोचा अगर ये भी कट जाएगा तो फिर 2 बचेगा, 2 का क्या करेंगे, तो 2 का कुछ होने वाला था नहीं, इसलिए फिर मुझे पता पड़ा कि साइन चेंज करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो एक बार और सॉल्व होगा, बराबर है ना। फिर क्या करना है, आपको ये जो आंसर मिला है उस आंसर को आपको काट के अलग कर देना है, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो आंसर मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 मान लो अपनी मर्जी से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सवाल के अंदर सबसे पहले आपको वैल्यू रखनी है, 1 रखना है, माइनस 1 रखना है, 2 रखना है, माइनस 2 रखना है, 3 रखना है, माइनस 3 रखना है। सर कब तक रखना है, तब तक रखना है जब तक कि 0 नहीं होता है, जैसे ही 0 हो जाएगा उस वैल्यू को काम में ले लेना है। जैसे हमने यहाँ पे 1 को रखा, 0 हो गया तो हमने इसको फैक्टर बना दिया, फिर उससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में यहाँ जो आंसर मिलेगा उसके फैक्टर कर देने हैं। तो बताओ इसके फैक्टर करो क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2 आना चाहिए और ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, तो 2 और 1 ही ले लो। कैसे, देखो मैं 2 और 1 ले लेता हूँ, इसको माइनस ले लेता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ, कैसे देखना, प्लस और माइनस, माइनस 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, ये वापस आ गया माइनस का, और माइनस 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 ये वापस आ गया। इस वैल्यू को पुटअप करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ले लेंगे, प्लस का 1x ले लेंगे, और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, x कॉमन ले लिया क्या बचा, x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन ले लिया क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखो, जो ब्रैकेट अलग है उसको एक बार लिखो, तो ये दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कहने का मतलब इस इक्वेशन के कितने फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है, x माइनस 2 और x प्लस 1। कहने का मतलब ये माइनस 2 अगर इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो ये इसको 0 बना सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे 1 रखा था 0 हो गया था, 2 रखने पे भी हो गया था, तो सर कितनी बार करना है, कुछ नहीं, सिंपल एक बार किया और 0 आ गया तो उसको फैक्टर बना देना, उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड को केवल सॉल्व कर देना है, बस हमको सवाल को यहीं तक करना है। तो बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको स्वयं को मिलाना है। ओके अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे 2.5 एक्सरसाइज की, क्योंकि सबका पैटर्न सेम है। हाँ, इसका जो अगला सवाल है ना वो वाई स्क्वायर वाला है, तो सर हम उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक्स को वाई मान लो, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ वाई लिख दो, तो सवाल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो ताकि मिटाऊंगा तो मेरे टाइम बढ़े। चलो ठीक है, इसके आगे एक बार और बात कर दे, वो क्या है, वीडियो पोस्ट कर दिया था ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसका थोड़ा सा बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक तो ये मार्कर भी गया यूँ लग रहा है, 2.5 अब थोड़ा समझना, एक बार मैं थोड़ी इंक इसमें भर देता हूँ, एक मिनट। देखो आगे क्या होता है।
अच्छा ये मार्कर उल्टा बंद होता है ना, बराबर है। अब आगे देखना करना क्या है। 2.5 में सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहने का मतलब आपको बहुत सारे आइडेंटिटी को याद रखना है। सारे आइडेंटिटी मैं यहाँ बोर्ड पे एक बार लिखता हूँ, आप उनको एक से दो बार तीन बार पढ़ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किसी आइडेंटिटी को रटना नहीं है, ठीक है ना, सभी फॉर्मूले याद करने। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर आपका क्वेश्चन एक्स वाई जेड में लिखा हुआ है तो आपको फॉर्मूला ए बी सी वाला काम में लेना है। कहने का मतलब सवाल अगर एक्स के टर्मों में दिखता है तो फॉर्मूला ए बी सी वाला लेना है, और सवाल अगर ए बी सी का दिखता है तो फॉर्मूला अपने को एक्स वाई जेड वाला लेना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि जब आप फॉर्मूले को फॉर्मूले से कंपेयर करोगे ना, ताकि आपके ठीक रहेगा, फॉर्मूला भी एक्स का ही है और सवाल भी एक्स का ही है, तो आपको दिक्कत आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन अगर एक्स वाई जेड का है तो फॉर्मूला अपने को ए बी सी वाला काम में लेना है, और अगर सवाल ए बी सी वाला है तो फॉर्मूला अपने को एक्स वाई जेड वाला काम में लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, कंपेयर करना आसान होगा। कैसे वो सवाल करेंगे तब पता पड़ जाएगा। अब आगे देखो, आपको फॉर्मूले याद रखने। क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला फॉर्मूला जो आपने बहुत बार पढ़ के रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर। दूसरा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम छोटी क्लासों से ये तीन फॉर्मूले तो पढ़ते हुए आए हैं, तो इनको तो याद करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये आगे माइनस नहीं है, ठीक है ना, वो खाली मैंने इसे लिखा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद आपके जो अलग फॉर्मूले वो देखो, आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सर ये कैसे बनता है? कुछ नहीं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन करके बता नहीं रहा, हमको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो ये तीन ही है, ये चौथा वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है वापस पढ़ देता हूँ, एक्स प्लस एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले मैंने ए बी सी में लिखे हैं, अगर इसको मुझे एक्स में लिखना होता तो क्या होता, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कहने का मतलब आप अगर कॉपी में लिखो ना तो दोनों टाइप के फॉर्मूले लिख देना, कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसी के नीचे लिखना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन अगर एक्स वाई वाला है तो फॉर्मूला ए बी वाला काम में लेंगे, और अगर फॉर्मूला ए बी वाला है तो अपने को एक्स वाई वाला काम में लेना है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी ये वाला अपन बाद में लिखेंगे, पहले सरल वाला लिखते हैं। आप देखो इस फॉर्मूले को याद रखने का थोड़ा तरीका बताता हूँ, दोनों के ऊपर क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप एक काम करो, पहले तो फॉर्मूला ऐसे लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्टक ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद रखना है, करना कुछ नहीं है, दोनों के ऊपर क्यूब है तो रहेगा 3ab कोष्टक a प्लस बी। अब अगर साइन की दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत माननी नहीं है, देखो यहाँ प्लस है तो सब जगह प्लस आंसर आ रहा है, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे समझो, फैमिली में अगर कोई एक बड़ा है वो प्लस का है तो बाकी सब भी क्या है, प्लस के, यानी सब एक जैसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन और किया जाए तो देखो क्या फर्क आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ने a से बात की तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab ने b से बात की तो 3ab स्क्वायर। तो सर हमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं सर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसको भी याद रखोगे तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कारण क्या कि इसको अगर आप सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ वो उल्टा लिख दिया सॉरी, क्योंकि वो दोनों फॉर्मूले सेम है ना, इसलिए गड़बड़ होगी। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, और अगर आप 3ab का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। सर
याद कौन सा रखना है? दोनों याद रखने हैं सर। सवाल में कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा अप्लाई करना है? वो प्रैक्टिस से पता पड़ेगा। अगर आपने ये भी कर दिया तो भी चलेगा, ये भी कर दिया तो भी चलेगा, बात एक ही है। दूसरा फॉर्मूला देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब, सेम टू सेम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कोष्टक ए माइनस बी, ध्यान से देखो, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तो कहने का मतलब सवाल अगर प्लस का है तो सारे आंसर प्लस के आएंगे, सवाल अगर माइनस का है तो सारे आंसर माइनस के आएंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस थ्री ए बी ने ए से बात की तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और थ्री ए बी ने बी से बात की तो थ्री ए बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? तो केवल एक प्लस का फ़र्क है। ये देखो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो याद क्या रखना है? लास्ट वाले स्टेप में प्लस आता है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अलर्ट रहना है कि माइनस वाला फॉर्मूला अगर है तो लास्ट में प्लस आएगा, और अगर ये इसके जैसा मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इससे कोरिलेट भी कर सकते हो। ये ध्यान से देखोगे तो कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपकी गलती नहीं होगी, अगर इसको रटोगे तो भूल जाओगे। अब नेक्स्ट और देखो क्या हो रहा है, ये एक बार मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, 21, चलो आधे घंटे का बना ही देते हैं। अब आगे देखो, अगला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों के ऊपर क्यूब था, यहाँ पे दोनों के होल के ऊपर क्यूब था, यहाँ पर्टिकुलर क्यूब है, सबके ऊपर अपना अपना क्यूब है। यूँ अब करना कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, ये जो इन दोनों के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है इसको एक बार आप भूल जाओ, ये है ही नहीं यूँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी, और फिर क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को एक से दो या तीन बार लिखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। सेम टू सेम इसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक बार थ्री को भूल जाओ तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ी टेक्निक बताता हूँ। देखो पहले अपन इसको भूल गए, अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया, और इसको अगर मैं भूल जाऊँ तो ए माइनस बी बचेगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी ए बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फर्क कुछ नहीं, केवल साइन का है। तो याद कैसे रखना है? पहले प्लस तो पहले प्लस, तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस, और पहले माइनस तो पहले माइनस, माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। मैंने ऐसे याद करके रखा है कि क्वेश्चन अगर प्लस का है तो पहले प्लस और प्लस का माइनस, और क्वेश्चन अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस और माइनस का प्लस। ऐसा आप थोड़ा सा अगर इमेज में याद रखोगे तो आप फॉर्मूला भूलोगे नहीं, बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूले और ये दोनों फॉर्मूले, कहने का मतलब इसका इसका उसका और इसका, ये चारों का रिलेशन है आपस में। अगर कोई फॉर्मूला एक डायरेक्ट पूछने के लिए आएगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये आंसर था कि ये था कि ये था कि ये था। इसको बार बार प्रैक्टिस से लिखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca। मैंने सारे फॉर्मूले a b c की टर्म में लिखे हैं, यही चीज आप x y z में भी लिख सकते हो। आप लिख ही देना लिखते टाइम, ताकि आपके दिमाग में रहेगा। ये सवाल अगर x का होता तो x plus y plus z का होल स्क्वायर इक्वल टू x square plus y square plus z square 2xy 2yz और 2zx। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण यह है कि सवाल जो होगा तब कंपेयर करने के लिए काम आएगा, नहीं सवाल भी सेम नहीं फॉर्मूला भी सेम तो कंपेयर करने में दिक्कत आएगी आपको, बराबर। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले अगर हैं तो वो आप कोई दिक्कत नहीं करेगा वैसे तो। इसके अलावा चलो सवालों से और पता पड़ता जाएगा। बाकी मेजर आइडेंटिटी यही है, तो आप इसको नंबर डाल देना, यूँ करना कि ये आइडेंटिटी नंबर वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये वाली नाइन। तो नाइन आइडेंटिटी अपन है, इसको मैं एक्स में भी लिख देता हूँ। चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। आप इसको साइकिल में याद रखो, कैसे, जैसे साइकिल है एक्स वाई और जेड, तो पहले अपन ने पैदल यहाँ पे मारा तो एक्स वाई, तो ये पहला आंसर। दूसरा पैदल अपन ने ऐसे मारा वाई जेड, तो ये दूसरा। और तीसरा पैदल अपन ने ऐसे मारा एक्स जेड, तो ये तीसरा। तो इसको साइकिल में याद रखो तो आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा, बराबर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या ऑप्शन है दूसरा, टाइम एक बार देख लेते हैं। चलो 25 मिनट हो गए, इसलिए अब मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाता हूँ अभी, मुझे जैसे टाइम थोड़ा मैनेज होगा, एक आधा वीडियो मुझे किसी और सब्जेक्ट का बनाना है वो बना देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूँ। तब तक आप एक काम करो, इसके सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे आऊँगा। ओके, थैंक यू।